अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और देखो एयरपोर्ट कितना साफ़ सुथरा और कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था, 6 बैग हो गए थे। तो हम लोग सब लोग भी फिट नहीं आते और लगेज भी साथ में फिट नहीं होता, तो इसी वजह से हम लोग ने टैक्सी की है और फिर हम लोग अलग अलग आए। 27.6 है। और ये 28 है। बोली ना पहले कि वो ज्यादा बढ़ के दिखा रहा था, थोड़ा उसमें थोड़ा रहता ही है, बढ़ के ही लगता है। अभी ये वाले में चेक करेंगे ना। ये वाला कितना है? 7 12.5 है। 12.5 चलो, सब सभी अच्छा कम रेट है ना सब। तो कितना हुआ फिर टोटल पकड़ने जाएंगे तो? देखो वो ज्यादा है भाई, इसमें वो भी है ना, इसीलिए हाँ बहुत ज्यादा वजन है इसका। हाँ भाई, अभी टोटल बताओ कितना हुआ इसका। नहीं सो गाइज, हम लोग ने भी हमारा वेट चेक कर लिया है वहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने 1 साल से वेट चेक नहीं की थी। मेरे हस्बैंड ने भी चेक किए और फिर हम लोग ने बच्चों के भी वेट चेक कर लिए और अम्मी का भी वेट चेक कर लिए वहाँ पे, क्योंकि हम लोग के पास वेइंग मशीन नहीं है और इसी वजह से। और अच्छा ये वेइंग मशीन ही है, नहीं तो 10 बार वेट चेक कर लेती मैं तो। ये तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो, हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और जकरिया और जिलान खेल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आए थे हमारा बैग का वेट चेक करने के लिए, तो हम लोग ने बस बैग का वेट चेक कर लिया, क्योंकि घर में थोड़ा सा मतलब सब प्रॉपर ही था पर थोड़ा ऊपर नीचे बता रहा था, तो 30 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे रुके और चेक कर लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेट तो सब ठीक है। अभी वहाँ पे बैगेज देने जाएंगे तो देखेंगे फिर क्या होता है, क्योंकि हम लोग के पास ऑलमोस्ट 110 किलो वेट है। और ऐसा है कि है ना, बहुत ज़्यादा लाइन है, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है। तो हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं और ये देखो, ये जो है ये बिन रखा हुआ है, जो लोगों को सामान निकालना है वो लोग यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं इसमें। और ये देखो जकरिया को, जकरिया ईट योर लॉलीपॉप, ईट। ज़िदान शो योर न्यू बैग, वेयर इज योर न्यू बैग, टर्न अराउंड। तो गाइज ऐसा है कि अम्मी अकेले जाने वाले थे इंडिया पर, लेकिन वो डरे थे बहुत जाने के लिए, तो इसी वजह से फिर मैं भी, अम्मी बोले कि तुम भी चलो करके साथ में, तो फिर मैं बोली ठीक है। फिर मतलब बहुत सारा ना हाँ होने के बाद फाइनली अभी मैं भी इंडिया जा रही हूँ। तो बस हम लोग ने सब कुछ कर लिए है और फिर इंशाल्लाह मैं जल्दी आ जाऊँगी, नहीं पता कभी आऊँगी, पर जल्दी आना है मुझे वापस। तो पहले तो नहीं जाना था पर अभी फाइनल हो गया, बस 2-3 दिन 5 दिन पहले ना, 5-1 हफ्ता पहले। और हम लोग की टिकट भी फटाफट से अब भी बुक हो गई, और इसी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं कर पाए। पर 2 दिन हम लोग जो शॉपिंग करने गए, ऐसी वाट लगी हम लोग की, बहुत हाथ पैर दुख रहे थे भाई, है ना। हाँ मतलब जो चाहिए था वो चीज़ तो नहीं मिली, पर उसके लिए जितनी मेहनत की हम लोग ने, उसके वजह से तो पैर ही दुखने लगे बहुत। और बस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, फिर वैट मिल जाएगा हम लोग को अंदर, तो रिफंड के लिए जाना है हम लोग को। अभी एक बार बैग जाएगा ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे। ये देखो बहुत बड़ी लाइन है और 10:45 लास्ट है, अभी 10:45 के बाद बंद हो जाएगा। तो बस हम लोग इसी लिए यहाँ पे रुके हैं, और ये लोग को तो खेल हो गया यहाँ पे आके वेट चेक करें अपना बार बार। सो गाइज, मैं ना यहाँ पे अंदर जो लाउंज है वहाँ पे जाके एक बार देखूँगी कि अगर मेरे को, कोशिश करूँगी अगर मुझे मिला चांस तो फिर आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ का लाउंज कैसा होता है एयरपोर्ट में। जो जो लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं वो लोग फ्री में लाउंज में जा सकते हैं, तो मैं बताऊँगी आपको देख के अगर मुझे मिला तो टाइम,
बिकॉज हम लोग की फ्लाइट है कितने बजे की अम्मी? 11:45 की फ्लाइट है, तो बस देखते हैं अभी क्या कैसे करेंगे। और 10:45 को तो ये बंद हो जाएगा, देखते हैं अभी इंशाल्लाह। सो गाइज़ अभी हम लोग निकल चुके थे और मेरे हस्बैंड को गुड बाय बोलना बहुत इजी नहीं था मेरे लिए। आई नो मैं एक महीने के बाद वापस रिटर्न आने वाली थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आया बिकॉज़ मैं 8 साल से उनके साथ ही थी कंटिन्यूसली। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा रोई और फिर हम लोग आए थे हमारा जो वैट है अम्मी का वो रिफ़ंड लेने के लिए यहाँ पे। तो हम लोग ने फिर वैट फटाफट से रिफ़ंड ले लिए। और गाइस आप लोग एक चीज़ याद रखना कि कभी भी वैट लोगे ना तो बारेनी दिनार में लेना, इंडियन रुपीज़ में मत लेना। उन लोग को पहले से ही बोलो हम लोग को आप बारेनी दिनार में ही लो। हम लोग को लेट हो रहा था, हम लोग का गेट खुल गया था, इसी वजह से मैंने छोड़ दी वो चीज़ और हम लोग ने इंडियन रुपीज़ में लिए। पर फिर भी बहुत थोड़ा बहुत कम पैसा आता है इंडियन रुपीज़ में, और अगर आप बारेनी दिनार लोगे और आपकी कंट्री में जाके एक्सचेंज करोगे तो आपको ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखना। और जैसे कि हम लोग का सब कुछ हो गया था बोर्डिंग, उसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर और प्लेन में, और व्हीलचेयर वालों को जल्दी लेते इसी वजह से हम लोग को जल्दी ले लिए थे अंदर। और हम लोग ने ये मील लिए थे 3 दिनार एक्स्ट्रा दे के। इंडिगो के फ़्लाइट में मील लेना पड़ता है गाइस। और आप जैसे कि देख सकते हो वो लोग ने हमें चिकन सैंडविच दिए थे, उसमें टमाटर भी था, ओके था चिकन सैंडविच। एंड वो लोग ने कोक दिए थे या फिर जूस, मतलब जो भी चाहिए ले सकते हैं। और उसके बाद गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और फाइनली हम लोग लैंड हो चुके थे मुंबई में। और सो गाइस मुंबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, इसी वजह से हम लोग को बहुत चलना पड़ा। तो अम्मी के लिए तो व्हीलचेयर थी, ज़करिया बैठ रहा नहीं था व्हीलचेयर पे, ज़िदान बैठ गया था उनके साथ, तो अच्छा हुआ। और ये फिर बाद में मैंने इसको उठा के ले लिया अपने गोद में और इसको चलाई, और बाकी का हम लोग ने जो भी सामान था वो अम्मी के व्हीलचेयर पर ही। सो गाइज़ ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।